In this session, we will talk about fitting a trend model to an observed time series. If we have a stationary time series, it means the time series with a horizontal pattern, then we can fit a model based on the mean value of the time series data. So actually, we will be minimizing the mean square error using the mean function. So as we know that the sum of square deviation for the mean value is the minimum, so for the stationary time series, we will reach the forecast model, which is actually the mean value of the data. Now, this particular forecast is actually based on a single parameter, which is shown by the value x bar. Ab ye agar to time series ek stationary pattern pe hai, yani ek stable pattern pe chal rahi hai, usme na to ek long term increase hai na decrease hai, to aisi situation mein us data ki mean value uska ek best forecast ke taur pe use kiya ja sakta hai. Lekin agar time series mein koi trend maujood hai, to phir ye zaruri hota hai ki hum us trend ke liye ek appropriate model fit kare. Abhi hum baat karte hain ek linear trend ke bare mein, ki agar time series ki jo long term movement hai wo ya to increasing hai ya decreasing hai, to hum kis tarah se trend component ko capture kar sakte hain. Ab is situation mein hamare paas jo model banega wo ek linear model a plus bt, jisme a aur b hamare is model ke parameters hain jo ke intercept aur slope part hai, aur t ek time variable hai जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यहां पर यूज हो रहा है. इसमें जो पैरामीटर्स ए और बी हैं, इनकी वैल्यूज हम मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करके एस्टीमेट कर सकते हैं. अगर हम ग्राफिकली इस मॉडल को देखें कि ट्रेंड लाइन किस तरह से नजर आएगी, तो अगर बी पॉजिटिव होगा तो ये हमें एक इंक्रीजिंग लाइन मिलेगी. इस लाइन का ओरिजिन से जो डिफरेंस है, जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, ये पैरामीटर ए को इंडिकेट करता है, और यूनिट टाइम चेंज के साथ इसमें जो चेंज आती है उसको हम बी से शो करते हैं. अगर टाइम सीरीज इंक्रीजिंग होगी तो ये बी पॉजिटिव आएगा, और अगर डिक्रीजिंग होगी तो बी का रिजल्ट नेगेटिव आएगा. इस फिटेड लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहेंगे, क्योंकि ये टाइम सीरीज की लॉन्ग टर्म मूवमेंट को कैप्चर कर रही होगी, और ट्रेंड कंपोनेंट टाइम सीरीज का एक लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है. ये जैसा कि हमने बात की कि ए और बी को एस्टीमेट करने के लिए हम मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो मीन स्क्वायर एरर की मिनिमाइजेशन से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे वो हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, कि बी और ए को हम अपने ऑब्जर्व डेटा की बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमें हमारे पास एक्स जो है वो टाइम सीरीज की ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड हुई हैं, और टी एक टाइम वेरिएबल है जिसको हम खुद से आर्बिट्रेरीली चूज कर सकते हैं. तो इन दो वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम ए और बी की वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं. जो ट्रेंड लाइन को एस्टिमेट करने का ये जो हमारे सामने तरीका है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम रिग्रेशन एनालिसिस में करते हैं, और एक हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाई मौजूद हो तो उस पर हम एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल जिस तरह से बनाते हैं, ये बिल्कुल उसी उन्हीं लाइन्स पे हम ट्रेंड लाइन भी बना रहे हैं. फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कोई अलग से मौजूद नहीं है, और हम टाइम वेरिएबल को ही एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं. लेकिन एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि जो ट्रेंड है उसका बिहेवियर हमेशा जरूरी नहीं वो लीनियर ही हो. कुछ सिचुएशंस में टाइम सीरीज अपनी लॉन्ग टर्म मूवमेंट में एक टर्न ले लेती है, जिसकी वजह से वो लीनियर पैटर्न से हट जाती है. ऐसी सिचुएशन में कोई नॉन लीनियर मॉडल जो है वो ट्रेंड को ज्यादा बेहतर वे में कैप्चर कर सकता है.